नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। वानखेड़े के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। वानखेड़े की बहन ने यह एफआईआर दर्ज कराया है। नवाब मलिक के खिलाफ अब दूसरा एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में ये दूसरा मामला नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज हुआ है। ये हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता मोहित भारती ने ये मामला दर्ज कराया है। भाजपा ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। ओशीवरा पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ पहला मामला दर्ज कराया गया था और सुबह वानखेड़े की बहन ने ये दूसरा मुकदमा जो है वो दर्ज कराया। पहला मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दर्ज कराया था और दूसरा वानखेड़े की बहन ने दर्ज कराया है। आप वानखेड़े पर लगातार नवाब मलिक हमलावर रहे हैं। जब से उन्होंने क्रूज ड्रग्स मामले पर कार्रवाई करते हुए आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, तब से ही नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे करते हुए आए हैं नवाब, जिसकी वजह से अब वानखेड़े की मुश्किलें भी काफ़ी बढ़ गई है। उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई है, तो जिसके चलते अब नवाब मलिक के खिलाफ जो है वो दूसरा मामला सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है।